हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आदेश के बारे में, जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों को पोस्टल असिस्टेंट का कार्य व वेतन देने की बात की गई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आपको स्क्रीन पर एक लेटर दिखा रहे हैं। दोस्तों, यह लेटर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जारी किया गया है आज दिनांक 19 जनवरी 2020 को। साथ ही इस लेटर को जो सभी जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है उनके ऑफिस में भी भेज दिया गया है। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट में कहा गया है कि जहाँ वैकेंट पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की, वहाँ ग्रामीण डाक सेवकों से कार्य लिया जाए और ग्रामीण डाक सेवकों को पोस्टल असिस्टेंट की जो सैलरी दी जाए। तो दोस्तों, पूरी खबर हम आपको बता दें, इसमें आप देख सकते हैं ये पूरी जानकारी इसमें बताई गई है। इसके अलावा जो इसमें जो शुरुआत की गई है कमलेशन कमेटी रिपोर्ट के अनुसार, जहां जो वैकेंट पोस्ट है वहां ग्रामीण डाक सेवकों से काम लिया जाए और वर्तमान में अभी पोस्टमैन और MTS पदों पर GDS कार्य कर रहे हैं और उन्हें उन्हीं के हिसाब से वेज और TRC और DA मिल रहा है। बट अब जो ग्रामीण डाक सेवक पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के जगह पर भी काम करेंगे और उन्हें जो वेतन मिलेगा वो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट का वेतन मिलेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें जो वैकेंट पोस्ट होने वाली हैं पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की, वहाँ उस जगह पर ग्रामीण डाक सेवकों से काम लिया जाएगा। उसके बदले ग्रामीण डाक सेवकों को जो पोस्टल असिस्टेंट को जो वेतन मिलता है वह जो मिनिमम वेतन उनको दिया जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ चौथे पॉइंट में आप क्लियर देख सकते हैं, इसमें जो मिनिमम पेमेंट है जो मिनिमम बेसिक पे प्लस DA ग्रामीण डाक सेवकों को दिया जाएगा जो कि पोस्टल असिस्टेंट का होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी कोई भी आपकी राय हो, कोई भी सुझाव हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।